हेलो जी, हेलो। दिन भोर हैं, वैसे तो 2 बज रहे हैं, मेरे घड़ी में 7:45 बज रहे हैं। आज हमारी बैटरी ख़राब हो चुकी है और इसीलिए आज मैंने लेट ही ब्लॉग शुरू किया। काम बहुत था ना, कपड़े वगैरह बहुत थे, मैंने धुल धाल लिए हूँ। राजमा बना लूँ खाने के लिए, चावल जारी चढ़ा देती हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। 2 बज चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज सुबह से क्या क्या किया है। ये देखिए, ये सिमरन का पूरा हमने नमकीन, मिक्सचर, साबुन, तेल जो भी होता है सब इसमें पूरा भर दिया है। ये उसका खुद ही लेके आई थी एक बैग में, कान नाक की जो भी छोटा सा। ये रसगुल्ला का डब्बा लेके जा रही है छोटा सा। और मिठाई तो अभी कल डालेंगे, मिठाई रात को डालूंगी, डब्बे पर है ना। काजू कतली और थोड़ी सी एक मिल्क केक, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी है ये सब डाल दिए हैं। और ये 2 जैकेट, सिमरन एक जैकेट रखेगी क्या सुबह में पहनने के लिए? बाहर रखी हुई है अच्छा, कौन सी ब्लैक वाली? जैकेट बोल रही हूँ मैं, नहीं मम्मी, क्या करूँ, ट्रेन में सुबह सुबह ठंड लगेगी, जब 8 बजे जाएगी यहाँ 8:30 बजे। तो ये हमने नई वाली जैकेट और स्वेटर इसी में डाल दी, मैंने ये डाल दिए। ऊपर भी स्वेटर वगैरह भरा हुआ है। और देखिए सामान नहीं लेके आई थी, पूरा खाली था इसका। इसमें भी हमने ये सब डाल दिया। और ये ऊपर जो रखी है वो क्या है? अच्छा, मोटा वाला टी शर्ट पहन के जाएगी। और ये एक बैग ऐसे ही टांग करके लेके चली जाएगी। वैसे तो मैंने सब कुछ इसमें डाल दी हूँ। अरे घी मैंने फ्रिज में, और हमारी फ्रिज की हालत देखिए, पूरा मिठाई और कुछ भी नहीं दिखेगा। मैंने कल फटाफट फटाफट घी बनाई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने घी बना के इसमें डाल दी हूँ डब्बे में, ये जम गया। आराम से इसमें दे दूँगी चम्मच निकाल कर, कभी कुछ ना हो ना तो चावल और घी भी खा सकती है। तो अभी मिठाई के साथ ही ये रख रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने इस डब्बे में थोड़ी सी काजू कतली और वो मिल्क केक वगैरह सब कुछ डाल के एक एक जगह ही रख देती हूँ, एक के ऊपर एक रख दूँगी ना। और पता है ये मिठाई जो अभी आती है ना अच्छी नहीं आती है। तो ये अभी दोनों डाल के रख दिए हैं, खाना सुबह में जो भी ले जाएगी। तो ये हो गई इसकी सामान वगैरह। कल पूरा दिन उथल पुथल मचा रहा था और आज भी सुबह से कपड़े वगैरह धो ली हूँ। सिमरन चली जाएगी तो हमारा घर थोड़ा खाली होगा, क्योंकि या तो यहाँ पे बिस्तर लगा रहता है या बेड पे कहीं ना कहीं बिस्तर लगा ही रहता है। सिमरन तो कूड़े का ढेर है ना, जो अब यहाँ से दिल्ली जाएगा तो वहां ढेर लगेगा ट्रेन में लद के। एमसीडी किस में लद के? ट्रेन में लद के जैसे एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं ना। तो ठीक है, आप लोग बने रहो। मुझे दे, अरे तू पागल है क्या? चार क्या लड्डू, एक तू लेके जा रही है, बेसन का लड्डू मुझे दिए नहीं। एक इसको मेरे एक ज्यादा की डबल है, एक के डबल एक तो मैं खा लूं, दो दो रहा मेरे एक का खाई मत देखो। अभी मेरे को सारा मिठाई पैक करके दो, अलग थैले में ले जाऊंगी। ले जाना, खाओ तो मम्मी मिठाई। और मुझे वो वाला लड्डू भी नहीं दिए। कौन सा? वो लाल वाले। कौन से लाल वाले लड्डू थे? आशा मुझे भी दिए थे। बूंदी वाला लड्डू ले जाएगी, ले जा भर के। मैं ले जाऊंगी जी, ले जाना था, आश्रम बांट देना। अपने बर्थडे पे फिर आश्रम जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, रोना आ जाता है मुझे। बा को ले जा साथ में, ओको बुढ़िया से सलेर का भेज देते। आपको छोड़ के आऊंगी वहां। पापा को नहीं, तुम भी ले जा सकते हो। मम्मी को फोन आ गया, मम्मी आपके फ्रेंड्स का फोन आ रहा है, बड़े बड़े नेता भी इतने बिजी में रहते होंगे। और ये क्या बदतमीजी है? आज हमारा, मैंने बताई थी ना जो हम लिए थे गिफ्ट, वो देखिए ये पड़ा हुआ सब कुछ। एक्वागार्ड लगवा रहे हैं, वो पहले वाला ख़राब हो गया था ना, वो जो लगा हुआ है वो ख़राब है, तो इसीलिए ये दूसरा लगा रहे हैं। अभी नया वाला हमने लिया है एक्वागार्ड। बस हेलो, हाँ 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 देख लिए, दिखा दिली लगवे छे, ठीक छे। ये उतर गया हमारा पुराना लाइफ पॉइंट।
लाइट का तो नहीं है यहाँ पे। तो पहले इसको ये कैसे यूज करते थे इसे ना, ये ना उतना दूर वायर कैसे पहुंचते इसका, प्रिंट भी अब किसी काम का नहीं है हमारा। इस पे एक बार रख के देख लेते हैं, अगर आप नहीं होगा क्या हो जाएगा, लेकिन इस पे ये वॉल माउंट है मैडम, वो आप कील लगा के वो करोगे ठीक है जैसा भी हो, थोड़ा फिर ऊपर करके ही करना। हाँ इससे ऊपर रहेगा। हाँ थोड़ा ऊपर करके, इसका कुछ हो नहीं सकता है क्या, बिक नहीं सकता, ये सब कुछ ठीक है, इसका कुछ जल गया है तार बस, इसका कुछ नहीं हो सकता मैं। देखिए भैया वो जो आप जो नीचे लगा हुआ आप बोल रहे हैं तो वो तो साथ में आया था इस वाले का, ये मतलब अलग है, ये असेंबल्ड आरो है, और ये जो साथ में आया ना ये लोकल है, और कंपनी वाले कभी भी अपने साथ तो उसमें जरूरी है वो लगाना क्या, उसमें भी ये लोकल है, इसमें काटे जलता है उसमें फोम वाला, और उसमें फिल्टर जलता है धागे वाला। ये आपके हिसाब से कितना टाइम चल जाएगा लगभग, कौन सा ये अभी लगाए हैं, जैसे मान लो हम दो पानी यूज करें, 5 लीटर अगर रोज कर रहे यूज, 5 या 6 लीटर कितने इसका होता है ये, तकरीबन साल भर तो दिक्कत नहीं देना चाहिए, साल भर फिर उसके बाद रूटीन हर आरो की जैसे सर्विस करवाना होता है। सर्विस का कितना चार्ज लेते हो आप लोग, जैसे एक साल के बाद जो कुछ हो गया तो पता कैसे चलेगा कि पानी साफ नहीं आ रहा हमारे इसमें, जैसे इसमें पता चल जाता है पानी आना स्लो हो जाएगा, पानी स्लो हो जाएगा आना, और स्वाद भी चेंज हो जाएगा, लेकिन लाइट जलता ही रहेगा। रिकॉर्ड हो रहा है आपका, गारंटी ले रहे हो ना कि ये कील नहीं उखड़ेगा। हाँ, अगर झूला नहीं खाओगे तब नहीं निकलेगा। झूला तो नहीं खाएंगे तो फिर नहीं, पार्क चले जाएंगे बहुत सारे पार्क इधर झूला खाने। हाँ फिर नहीं करेगा, क्योंकि इस पे तो स्टैंड था इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी भी होता, चलो स्टैंड लगा हुआ है तो डर नहीं था। सारा सिस्टम बता देना भैया, नहीं तो आप चले जाओगे। नहीं नहीं सारा बता दो, कोड लेते हो क्या, सीरियल नंबर अच्छी वहाँ पे जमा करने के लिए, सीरियल नंबर की जरूरत, वारंटी स्टार्ट नहीं होता ना तो वो जरूर होता है। तो आज अगर आप लगा के जा रहे हो आज वहाँ जब दे दोगे तो आज से वारंटी चालू होगा, वारंटी चालू होगा। इसके संत सब कुछ जैसे इसका अंदर था उसके भी तो अंदर ही था, सेम ही तो मुझे लग रहा है, बस उसका थोड़ा सा फर्क होता है क्या, ये फिल्टर वगैरह तो इसमें भी था नीचे पहले जो लगे हुए थे, क्या होता है आरओ प्लस यूएफ यूवी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूवी अल्ट्रा वायलेट, वैसे की है छी उससे क्या होता है, यूवी और यूएफ दोनों बैक्टीरिया को रोकने के काम आते हैं। पानी इसमें कितना स्टोरेज होता होगा, 6 लीटर क्योंकि पूरा तो मशीन ही लगा हुआ है इसमें, तो मुझे लग रहा था इसमें भी 5-6 लीटर ही आता होगा, इसमें 8 लीटर ये हमारा वाला जो है 8 लीटर फिर तो हमारा वाला ही पहले का ठीक था, 8 लीटर का वो लोकल है, नॉन ब्रांड है और ये कंपनी का है, बस इतने ही फायदे हैं। इस पे भी तो क्या है, सफेद मछली छपा हुआ, क्या बोलते उसको, डॉल्फिन। ये गुजरात का मॉडल है और ये एक और आरो का जन्म देता है, यही है डॉल्फिन वगैरह, बीकानेर का, बीकानेर का आरो का, तो वाटर प्यूरीफायर का जन्म देता है यही है, कॉर्नार्ड अच्छे वो भी है, वो फेवरेट मिक्स पानी
यहाँ पे बहुत नमकीन पानी आता है भैया, मुंह में ऐसे कूलर सब हर साल ही खराब हो जाए, इतना नमक आता है पानी में। लोहे का कूलर होगा तो हर साल चला हाँ। नहीं, कूलर से जो पानी गिरता है ना अपना, तो वो ऐसे सीमेंट पे जम सा जाता है नमक वाइट, नमक वाइट। हाँ, इधर आपका टैब है ना, टैब वो भी वाइट हो जाएगा, जो टूंटियां लगी होती है बाथरूम वगैरह में, इसलिए प्लास्टिक की लगाओ, प्लास्टिक या पीतल। पीतल हाँ, अच्छा स्टील वाले पे देख लो सपने कहाँ गिर गया उनका नट। ठीक है, ऊपर है ना इस बार। ये ज्यादा छोटा बच्चा जैसा नहीं लग रहा है। अभी लगाएंगे और भी अदला बदली होगा अभी। सही, कर दो ऊपर भी लगा लेते ना। इसका फर्स्ट टाइम पानी यूज नहीं करना मैम। फर्स्ट टाइम भर जाएगा तो कैसे बंद हो जाएगा अपने आप लाइट? बंद हो जाएगा, स्विच बंद करके पूरा खाली करना फर्स्ट टाइम आपको। कहाँ खाली, कहाँ से करेंगे ये भी बता दो हमें। ये टैब है, इसको ऊपर करोगे खाली हो जाएगा। नहीं तो पानी कहाँ से निकालेंगे पीने के लिए? तो ये ना टैब, इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। ऊपर किया हाँ। पानी आने लग गया, इसको नीचे किया तो बंद हो गया। और लाइट का क्या सिस्टम है भैया? लाइट का सिस्टम ये अभी रनिंग में ब्लू है, जैसे टैंक भरेगा ना तो ये लाइट चेंज हो जाएगा। दो दो लाइट है ना, भर जाएगा तो एक बार निकाल दो सारे पानी, बहा दो, स्विच बंद करके पूरा पानी निकाल देना। अपना नंबर दे दो भैया, कभी कुछ जरूरत होगा तो भी फोन अलग से फोन कर सकते हैं क्या, कोई भी कुछ लगवाना हो तो। हाँ, अपना नंबर दे दो फिर। ये हमारा एक्वागार्ड लग चुका है, उसकी लाइट ब्लू हो चुकी है। भैया ने बोला 30-35 मिनट में पानी सारा निकाल के बाहर फेंक देना, और फिर से दोबारा हम इसको पानी तो बोल के गए भैया। सब कुछ मैंने पूछ ली ऐसे कि मतलब कैसा पता कैसे चलेगा कि मतलब ये औरत, भैया ने बताया कि ये जब तक ये चल रहा है, जब भर जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। तो वैसे बोल रहे कि रिस्पॉन्स अच्छा है, 1.5-2 साल आराम से आप इसको यूज करो, फिर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने ये नहीं लगाई क्योंकि मैंने अभी वो दूसरा था ना ये लगवाई ही थी मैंने अभी, वो बोल रहे ये यूज हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है, तो उसी पाइप में उन्होंने सेट कर दिया। तो हमारा एक्वागार्ड यूरी लिखा है ना, जो भी है मैंने वो हमारा लग चुका है। तो आप लोग कैसी लगी हमारी एक्वागार्ड बताना सब कमेंट करके। अगर मेरी छोटी छोटी वीडियो आपको ब्लॉग में पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, और जल्दी जल्दी कॉमेंट करो, शेयर करो खूब ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना।